अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। फिजिक्स के चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव एंड इट्स टाइप्स। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस डेफिनेशन। डिफाइन वेव। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेव किसी भी मीडियम में वो डिस्टर्बेंस होती है जो कि उसके पार्टिकल को अपने मीडियम में रहते हुए वाइब्रेटरी मोशन करवाए, और उस वाइब्रेटरी मोशन के लिए जो दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, दो कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि वो अपनी मीन पोजीशन में ही मूवमेंट करे और उसका जो टाइम हो वो फिक्स हो, कि एक इक्वल इंटरवल हमने टाइम रखा हुआ हो कि वो इतने टाइम में, इतने सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस कवर करें, तो नेक्स्ट उसी स्पेसिफिक टाइम में वो अपने नेक्स्ट मोमेंट को उतने ही टाइम में कंप्लीट करें। वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली यही मोशन होती है कि अपने ही पॉइंट के ऊपर रह के वो चीज़ उसको थोड़ा आगे या पीछे की तरफ मूव करें या अप एंड डाउन की तरफ मूव करें, और अपने पोजीशन से अपना जिसका मेन पोजीशन हो उस पोजीशन को कभी भी उसके ओवरकम ना करें और अपने मीडियम में रहें, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना आ जाए। मीडियम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर वो ऐसे मीडियम में अपनी हवा में है तो हवा को ही नेक्स्ट कंटिन्यू करें, ये नहीं कि हवा के जा बाद वो पानी अगर उसका मीडियम बन जाए तो उस मीडियम में वो अपनी ऑटोमेटिकली वो अपनी मीडियम को चेंज करने में अपनी डायरेक्शन को और अपनी मोशन को चेंज कर लेगी। इसलिए मीडियम जो है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए जो कि अपने मीडियम के अंदर रहते हुए भी अपनी मोशन कंप्लीट करें। इट्स की टाइप्स के बारे में देखते हैं। रेड टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, उनकी कैटेगरीज हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिटेल के साथ देखेंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।